अधिकार के अभाव के लक्षण है। जो अस्तित्व में है इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण स्वभाव धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग के क्षमता का विकास होता है। तो ब्रह्मानुभूति योग के क्षमता के विकास के लिए जो रास्ता बताए हैं वो है अस्तित्व में पाए जाने वाली वस्तु के रूप गुण स्वभाव और धर्म का अध्ययन करना। तो ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है, उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्म पूर्वक या समाधान पूर्वक, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। वस्तु क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। ब्रह्म सबका सहज अस्तित्व देश कालाभात है। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार योग्य योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत क्रिया प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त है। तो सभी जो इकाइयां हैं वो क्रिया है, इकाई माने क्रिया, और क्रिया या फिर रचना के रूप में है, मानव होने पर व्यवहार की स्थिति में है, और इनमें परिणाम और परिमार्जन दोनों चीजें हो रही। तो चैतन्य इकाई में परिमार्जन शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है और जड़ में परिणाम ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा योग्यता से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। अभिप्रेत का मतलब है जो हम चाहते हैं, हमारी जो चाहना है, हमारी वांछा, वांछा, या इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं इष्ट। सभी परमाणु ग्रह नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त। संपृक्त शब्द का अर्थ हम लोग देखे हैं कि डूबा हुआ, भीगा हुआ, घिरा हुआ। ब्रह्मावेष्टित, ब्रह्मावेष्टित का मतलब ब्रह्म से घिरा हुआ। सभी ग्रह नक्षत्र परमाणु ब्रह्म में घिरा हुआ। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है, प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी ओर ब्रह्म है, ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक है, इस गठन, यहाँ पर इकाई का अर्थ परमाणु, तो परमाणु गठन के बाद ही परमाणु बनता है, कम से कम उसमें दो अंश होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई लिखा हुआ। व्यापक सत्ता पूर्ण ही है जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं, आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। तो ब्रह्म के लिए आकाश संज्ञा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभव। तो ब्रह्मानुभूति और सह अस्तित्व में अनुभव दोनों समान, मतलब दोनों के समान अर्थ है, समानार्थी है। जीवन और ज्ञानावस्था की इकाइयां जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट है। तो जीव अवस्था और ज्ञानावस्था में जीवन और शरीर दोनों चीजें होती है, ये हमको स्पष्ट रूप से पता है। प्राणावस्था में जीवन नहीं होता है, ये भी हमको पता है। और जीवावस्था का जो बहुत प्रारंभिक स्वरूप है जिसमें मेधस तंत्र तो होता है, किंतु वो मेधस समृद्ध मेधस नहीं होता है, इसलिए वहां जीवन नहीं होता है। तो जो जीवावस्था का प्रारंभिक भाग है जिसको हम स्वेदज नाम से भी जानते हैं, उसमें मेधस तंत्र होता है लेकिन उसमें जीवन नहीं।
जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में संवेदनशील व संज्ञानशील हो जाना है। जीवावस्था की इकाइयों में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन, ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन सिद्ध है। तो जीवावस्था में संभावना केवल आशा में ही परिवर्तन होने की है। जो जीवन का जो पहला परिवेश है, मन उसमें क्रियाशील होता है, तो उसी में परिमार्जन संभव है। जबकि ज्ञानावस्था में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अर्थात जीवन के सभी में परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु अपने कार्य क्षेत्र सहित कुंजाकार में है। कार्य क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर होगा कि जिस प्रकार के शरीर को चला रहा है उस प्रकार का उसका पुंज, उसी को कार्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई जीवन मानव के शरीर को चला रहा है तो उस जीवन का जो पुंज होगा वो मानव के आकार का होगा। यदि हाथी के शरीर को चला रहा है तो वो हाथी के आकार का वो पुंज बनेगा। इस प्रकार से इसको कुंजाकार कह रहे हैं, इसी को कार्य गति पर भी कह रहे हैं, इसी को कार्य क्षेत्र यहाँ पर कहा गया है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से युक्त आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त है, इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण। जो पहला जो कारण होता है, जैसे ही परमाणु गठन पूर्ण होता है वह समूह बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को लिखा है परमाणु समूह से मुक्त। तो अब वो परमाणु समूह से मुक्त हो गया है, अब वो किसी परमाणु से वो जुड़ के नहीं रह सकेगा। वो आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त होता है और इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण। आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर। तो आस्वादन के लिए जो इच्छा है उसी को बंधन कह रहे हैं। आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन हम लोगों ने इसको सुना है। तो आशा बंधन का अर्थ है आस्वादन की अपेक्षा, किसी प्रकार के आस्वादन से सुखी होना। यहाँ पर आस्वादन का जो मुख्य अर्थ है जड़ पक्ष के आस्वादन, जड़ पक्ष के आस्वादन में आसक्ति होना। आसक्ति का अर्थ है कि उसमें जितना सुख है उससे अधिक सुख मान लेना, उसको आसक्ति कहते हैं। तो जड़ पक्ष के आकर्षण से युक्त हो जाना ही बंधन है, उसी को आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर कहते हैं। और उसके पहले ब्रह्मानुभूति के पहले उसकी जिज्ञासा होगी, ब्रह्मानुभूति की जिज्ञासा ही मोक्ष की ओर लिखती है। यहाँ पर ये कहा गया प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसीलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रुक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारित एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता के लिए अभ्युदयशील है। संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में डूबा भिगा घिरा है, इस कारण नियंत्रित भी है, इसी कारण प्रेरित भी है और क्रियारत है और संरक्षित भी। तो ये सारी चीजें ब्रह्म में डूबे होने के कारण, ऊर्जा में डूबे होने के कारण यह क्रियाशील है। क्रियाशील होने के साथ साथ चूंकि सहस्तित्व है, कई प्रकार की क्रियाएं हो रही है, इसीलिए उसमें अंशों का आदान प्रदान होता है। अंशों के आदान प्रदान को ही हम विभिन्न परमाणु की जातियां कह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो परमाणुओं का, अणुओं का संयोग को ही हम रचना कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस रूप में दिखती है। आत्मा में ब्रह्म अनुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समत्व या सहज समाधि। तो यहाँ पर अनुभव और अनुभूति समानार्थी, अनुभव और अनुभूति एक ही अर्थ है। आत्मा में ब्रह्म अनुभूति, आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति होती है। बुद्धि में ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है, बुद्धि अपने से विकसित जो आत्मा है उसको अनुभूत कर पाता है। तो एक जो अपने से बराबर तक का तो मूल्यांकन हो सकता है या अपने से नीचे का मूल्यांकन हो सकता है। तो इसमें एक प्रसिद्ध भाषा है मध्यस्थ दर्शन में कि अपने से जो कम विकसित है उसका दर्शन होता है और अपने से अधिक को जो पहचानने की जो क्रिया है उसको
अनुभव शब्द या अनुभूति शब्द से लिखा गया। तो जब आत्मा ब्रह्म को पहचान लेता है या वह ब्रह्म में प्रत्यावर्तित हो जाता है, उसी को ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म का अनुभव भी कहते हैं। और उस समय बुद्धि आत्मा को अनुभव करने लगती है, चित्त बुद्धि को, वृत्ति चित्त को और मन बुद्धि को अनुभव कर सकता है। तो इसीलिए उस समय एक साथ सारी चीजें हो जाती हैं। आत्मा जब ब्रह्म में अनुभव करता है, उसी समय मन से लेकर आत्मा तक सभी अपने से विकसित को अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए इसको अनुभव समुच्चय लिखा हुआ है। ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त है और नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं। अर्थात हर मनुष्य में प्राप्ति और अप्राप्ति को देखेंगे तो उसमें विविधता है। किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को कोई दूसरी चीज प्राप्त है। यही मनुष्य में विविधता है और ये विविधता होना समाधान को व्यक्त नहीं करता, यह समाधान नहीं। ब्रह्मानुभूति सहअस्तित्व में अनुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म में ही है। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर अविभाज्य होने से है। इंद्रियों द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप में पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही है। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। जीवन न हो तो इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, इंद्रियों पर क्रियाशीलता नहीं। ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेशों से मुक्ति पाना है। समस्याएं ही क्लेश हैं। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक ही सीमित हैं। जीवावस्था की इकाई जीवात्मा। तो जीवात्मा एक शब्द पहली बार हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में यहाँ पर। तो जीवावस्था के जीवन का नाम जीवात्मा दिया हुआ। आगे हम आगे के अध्याय में जीवात्मा शब्द का प्रयोग आया। संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। असंग्रह स्नेह विद्या सरलता सहजता अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण है। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण है जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। जो धर्मपूर्ण विचार के रूप में मानव व्यवहार दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, अध्ययन किया है, ये पांच जो चीज है असंग्रह स्नेह विद्या सरलता एवं अभय, ये धर्मपूर्ण विचार के रूप में हम सब इसको समझेंगे। तीव्र तापवश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शकता वश अंधकार का तथा देहात्मवादी कल्पनावश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम। ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है देहात्मा, या देहात्मवादी भी कहते हैं इसको, दोनों प्रकार के शब्द प्रचलित हैं। तो शरीर को जीवन मान लेना। तीव्र तापवश मरीचिका का एक बहुत बढ़िया जो चीज अभी बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि रेगिस्तान में पानी दिखता है उसको मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है कि रेगिस्तान में चूंकि ज्यादा गर्मी होती है जब, तो ऐसा लगता है कि पानी उसको पढ़ाया भी जाता है, तो मृग को वो मरीचिका होती है। उसी प्रकार भूमि की अपारदर्शकता वश अंधकार का, अंधकार माने किसी की छाया है, प्रकाशित वस्तु के सामने कोई अपारदर्शक वस्तु आ जाए दूसरी ओर जो होता है उसको अंधकार कहा गया है। तो अंधकार वास्तव में भ्रम है, अस्तित्व में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। निर्भ्रमता योग्य क्षमता ही, निर्भ्रमता योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है। अनुभव समुच्चय मानवीयता सहज अधिकार पूर्वक अति मानवीयता सहज अधिकार संपन्नता से है। मानवीयता तथा अति मानवीयता अधिकार का स्रोत मानव इकाई द्वारा अपने शक्ति का अंतर्नियोजन प्रक्रिया है।
अपनी शक्ति का अंतर नियोजन को स्व निरीक्षण प्रक्रिया। क्लेश ही लाश्यता है, यह अजागृति का प्रतीक है, उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता सहज लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय पूर्वक भ्रम मुक्त होने का सूत्र व व्याख्या से। तो जो आप्त पुरुष हैं अर्थात जिनको अनुभव हो गया है, उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं वो दास्यता से या दास भाव से मुक्त होने के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर कहा गया। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही परतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण है। इन तीनों कारणों की व्याख्या निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। स्वकर्म परिपाक संस्कार को ही कह रहे हैं, तो संस्कार पूर्व संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही कारण होते हैं आदमी के मनुष्य के जागृति के लिए। तो स्वकर्म परिपाक जो कर्मों का जो परिपाक होता है, जो पकने को परिपाक कह रहे हैं, उसी को संस्कार कह रहे हैं। भोगों में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं है, यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंद्रियों के साथ जो भोग हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति तथा उसकी निरंतरता सहज इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय और भोग में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणाम है क्लेश। विषय भोग में चार विषय आहार निद्रा भय और महत्व, इसमें जो है आनंद की अनुभूति और उसकी निरंतरता चाह रहे हैं, उसमें इसी कारण क्लेश है। यहाँ पर ये निर्देशित किया जा रहा है। ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन एवं अनुभूति ही परिलक्षित होता है। तो ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में दो प्रकार के क्रियाकलाप हैं, एक तो आस्वादन के लिए या अनुभूति के लिए। शरीर मूलक आस्वादन में सुख मात्र भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से सुख शांति संतोष आनंद सहज निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। नियम न्याय धर्म एवं सत्य सहज ही अनुभव है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में है। जड़ प्रकृति की सत्यता सहज ज्ञान चैतन्य सहज बोध एवं व्यापकता में अनुभव स्वयं सिद्ध है। जड़ इकाई को भी अपन ये देख रहे हैं कि वो भी नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में इकाई और व्यापक दोनों निरंतर हैं, तो ये सब सत्य है। अस्तित्व ही सत्य है, इसीलिए प्रकृति भी सत्य हुआ और व्यापक भी सत्य हुआ। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था सहज जागृत इकाइयां नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करती है। तो यहाँ पर एक कारण है कि जड़ प्रकृति का अध्ययन हम क्यों करें, तो जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति को भी समझें। एक वस्तु जिस जगह पर रखी हुई है उसको वस्तु स्थिति कह रहे हैं। जैसे धरती के ऊपर कोई वस्तु है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, भूमि के नीचे में कोई है तो वो उसकी वस्तु स्थिति है, एक चीज। दूसरा रासायनिक प्रक्रिया, तीसरा उसकी एक भौतिक संरचना। ये तीन प्रकार की अलग अलग चीजें हैं, इनको जो समझना है उसका जो उद्देश्य है उसका सदुपयोग करना, उपयोग करना या पोषण करना। तो जड़ प्रकृति का जो अध्ययन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका सीधा सीधा उद्देश्य है उसका पोषण और संवर्धन। बोधपूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप मानव देव एवं दिव्य मानवीयता के लिए के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है, उसकी पूर्ति हेतु प्रयास। चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता जानना संभव नहीं।
मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभव क्रिया का विश्लेषण महानुभाव दर्शन में किया गया। वह मानुभूति ही आनंद सहज निरंतरता है। जागृत मानव में भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवहार, उन्नत समाधान एवं उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त करना। तो आस्वादन का भी अवसर ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है, अनुभूति का अवसर भी ज्ञानावस्था को कहा जा रहा है। ज्ञानावस्था ही वांछित परिमार्जन से देव व दिव्य पद को पाती है, न कि जीवात्मा। अर्थात जीवावस्था में जागृत होने की संभावना नहीं है उस बात की, क्योंकि उसमें प्रमाण संभव नहीं है। जीवावस्था का शरीर जागृति को प्रमाणित नहीं कर सकता, वहां समृद्धि पूर्ण मेधस नहीं है। दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है, यही जागृति सहज चरमोत्कर्ष है। दया कृपा करुणा ही दिव्यात्मा का स्वभाव, ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। दृष्टि विषय और स्वभाव के बारे में हम लोग देखते हैं, तो दृष्टि केवल सत्य होती है, उसका जो स्वभाव है दिव्य मानव का वो दया कृपा करुणा है, और प्रवृत्ति जो है ब्रह्मानुभूत। शारीरिक व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवावत्मा के सदृश दुख शोकादि कार्पण्य दोष से पीड़ित भ्रमित है। कार्पण्य दोष लिखा है क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति, क्लेश से बनी हुई जो प्रवृत्ति है उसको कार्पण्य दोष कहते हैं, और ये केवल न्याय धर्म सत्यानुभूति योग की क्षमता का अभाव ही है। आत्मा स्वभाव से अनुभव रत, बुद्धि विशेषज्ञ, चित्त चित्रण वेत्ता, वृत्ति विचार वेत्ता एवं मन स्वभाव से रसज्ञ हैं, यह सब जागृति पूर्वक की अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छा अनुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को संचालित करने वाला पुंज ही जीवात्मा। तो जीवन जीवावस्था के शरीर को संचालित करने वाला जो पुंज है, जो परमाणु है, जीवन है, उसका नाम जीवात्मा है, और मानव के शरीर को संचालित करने वाला जो जीवन है उसको ज्ञानात्मा कहते हैं। अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का अभाव नहीं है, साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं। तो जड़ प्रकृति में निरंतर परिणाम हो रहे हैं, जड़ प्रकृति में परिणाम को रोक दिया जाए यह संभव नहीं है, वो रुकता ही नहीं। वैसे ही चैतन्य प्रकृति में परिमार्जन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है अनुभूति पर्यंत, अनुभूति होने तक। पहला ही इसमें लिखा हुआ है अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का भाव नहीं। भौतिक वस्तु में गुण, रचना में परिणाम व परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन सिद्ध। तो भौतिक वस्तु में गुणों में जो परिवर्तन है, रचना में परिणाम एवं परिवर्तन होता है, और चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन होता है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन पाया जाता है। तो जड़ और चैतन्य में जो एक अंतर ये भी है कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ जहाँ गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको जड़ कहते हैं, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, और इसको परिमार्जन शब्द से इंगित किया गया। तो जड़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने के लिए मात्रात्मक परिवर्तन अनिवार्य है, और चैतन्य में मात्रात्मक परिवर्तन होता ही नहीं, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसी को परिमार्जन।
वस्तु पदार्थ गुण सापेक्ष शक्ति संरचना आकार प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति निश्चय वर्तमान। तो बहुत प्रकार के जो अपने को पदार्थ दिख रहे हैं पदार्थ समूह दिख रहे हैं उसका जो मुख्य कारण है वो विकास का क्रम ही है। विकास के क्रम में बहुत सारे पद हैं, ये पद ही अपने को विविधता के रूप में पदार्थ के विविधता के रूप में दिख रहे हैं। तो इसमें चार चीजें दिखती है, विकास क्रम दिखता है, विकास दिखता है, विकास का अर्थ है जीवन, जीवन होने के बाद उसमें एक जागृति का क्रम दिखता है और जागृति दिखती है। तो ये चार चीजें नित्य वर्तमान, ये अस्तित्व में हमेशा या निरंतर है। वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है कि उनके अस्थायित्व और अपूर्णता, क्योंकि परिवर्तन हो जा रहा है, परिवर्तन है हो रहा है, इसलिए उसमें स्थायित्व को नहीं मान सकते। पदार्थ तत्वतः परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणु की अनेक जातियां प्राप्त है जिसे भौतिक शास्त्र ने भी सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती जिसके कारण उनमें गठन सीमा में विविधता नहीं है। तो परमाणु की गठन में विविधता है जड़ परमाणुओं के, इसीलिए बर्पण जड़ परमाणु की जाति। तो जाति का अर्थ जो परिभाषा एक जगह आप देखेंगे कि रूप गुण स्वभाव और धर्म की विशेषता। तो जैसे परमाणु है उसका स्वभाव और धर्म तो एक ही होगा क्योंकि वो पदार्थावस्था में ही है, पदार्थावस्था का स्वभाव और धर्म एक है, लेकिन रूप और गुण यहाँ भिन्न भिन्न हो जाए। जैसे सोने का परमाणु अलग दिखेगा और हाइड्रोजन का परमाणु अलग दिखेगा, तो इसमें रूप और गुण भिन्न हो गए, स्वभाव और धर्म भले ही एक। तो इसके कारण रूप और गुण और स्वभाव और धर्म ही चारों में जो भिन्नता है इसी को जाति कहते हैं। लेकिन जीवन में चैतन्य परमाणु में किसी प्रकार का परिवर्तन उस ढंग के नहीं है, इसीलिए उसमें गठन की सीमा में विविधता नहीं है, इसलिए इसको गठनात्मक जाति नहीं है। गठन के आधार पर कोई जाति नहीं हो सकती, एक ही है जीवन, इसीलिए जीवन सब में समान है जो शब्द है इसी आधार पर कहा जाता है। केवल जागृति का भेद हो सकता है। ज्ञानावस्था की इकाइयां निर्भ्रांत भ्रांता भ्रांत तथा भ्रांत भेद से गण्य है। भ्रांत इकाइयां चार विषयों के भोग के लिए, भ्रांता भ्रांत इकाइयां तीन इष्णाओं के योग के लिए प्रयासरत तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त। तो तीन प्रकार की जो वर्गीकरण है, जो भ्रांत है वो भोगों की सीमा में व्यस्त है, भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, भ्रांता भ्रांत है, ये तीनों एषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा अर्थात व्यवस्था को मानव परंपरा को बनाए रखने में जो अंग है उनमें पूरी तरह व्यस्त है, इसीलिए इसको कह रहे हैं तीनों एषणा भ्रांता भ्रांत और निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त। चैतन्य परमाणु में गठन परिवर्तन नहीं है, जड़ परमाणु में ही गठन गुण व रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। पहले हम लोगों ने देखा कि चैतन्य इकाई में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, उसी संदर्भ में पाया जाता है। प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त होने के लिए परमाणु में जितने अंशों के समाने की व्यवस्था संभावना है उतने अंशों के गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प अर्ध व पूर्ण अभिव्यक्ति सहित क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में परिमार्जन चैतन्य जो वस्तु है जड़ ही चैतन्य होता है और उसके लिए जो एक प्राथमिक स्थिति है कि उसमें जितने अंश व्यवस्था समाने की व्यवस्था है वो सारे अंश हो जाएं और उनका जो एक क्रम है वो क्रम आ जाए उसके उपरांत वो चैतन्य और इसके बाद उन अंशों का जो सामूहिक रूप से जो प्रदर्शन या अभिव्यक्ति होती है उसी को जागृतिशीलता या जागृति पूर्णता कहते हैं। मन वृत्ति और चित्त बुद्धि में फिर परिमार्जन होता है और इस परिमार्जन के फलस्वरूप इसमें जागृति होती है।
चैतन्य अवस्था की इकाई में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार के बोध और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। अंतर्यामी संज्ञा से पारगामीता और व्यापकता सहित महिमा इंगित किया गया है। अंतर्यामी, अंतर्यामी का अर्थ है हर चीज के अंदर गया हुआ, हर चीज के अंदर गया हुआ। तो चूंकि व्यापक वस्तु हर चीज के अंदर गया हुआ क्या हमेशा रहता ही है, व्यापक में गति नहीं होती। यामी जो शब्द है वो गति के लिए प्रचलित है। तो अंदर में हर परमाणु के हर अंश के अंदर जो स्थित है वो व्यापक वस्तु है। पारगामी होने के कारण ही व्यापक वस्तु हर अंश के भीतर भी होता है, इसीलिए उसको अंतर्यामी शब्द दिया गया है, जो परंपरा में बहुत प्रचलित एक शब्द है। अंतर्यामी का मतलब अंदर गया हुआ, और व्यापक वस्तु के बारे में जो कहा रहा है कि अंदर हमेशा रहता ही है, तो व्यापक के लिए एक संज्ञा अंतर्यामी है। अंतर्यामी में अनुभूति से अभिमान समाप्त होता है, अभिमान भ्रम का ही अंश। तो व्यापकता में अनुभूति जब होती है, व्यापकता में अनुभूति आत्मा ही करती है, आत्मा का प्रत्यावर्तन को ही व्यापकता में अनुभूति कह रहे हैं या अंतर्यामी में अनुभूति कह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अभिमान समाप्त हो जाता है। अभिमान चित्त में होता है। अंतर्यामी का बोध मात्र से ही संसार को एक परिवार के रूप में मानवीयता पूर्वक स्वीकारता है, यही सर्वशुभ का सूत्र है। अंतर्यामी का बोध का अर्थ होता है कि व्यापक वस्तु का बोध, व्यापक वस्तु का बोध। आत्मा जब व्यापक में अनुभव करती है तब बुद्धि को, बुद्धि का जो प्रत्यावर्तन होता है, तो बुद्धि को आत्मा का बोध होता है और अनुभव किए हुए आत्मा का बोध होता है। इसी को कह रहे हैं कि अंतर्यामी का बोध। आत्मीयता की परस्पर अपराधों तथा अपव्ययों का निरोधक और नियामक, साथ ही न्याय धर्म सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणादायी। एक बहुत बढ़िया विधि बताई हुई है कि अपराधों को कैसे हम नियमित कर लें, समाप्त कर लें, उन्मूलन कर लें, अव्यय किस विधि से रुक जाए, तो उसके लिए जो विधि है वो आत्मीयता। और यही आत्मीयता न्याय करने के लिए, धर्म में जीने के लिए, सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा है। आत्मीयता परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सहस्तित्व सहज सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सहस्तित्व में प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व का अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं। सत्ता में संपृक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मबोध के अभाव में बुद्धि का पहले प्रत्यावर्तन होता है। बुद्धि के प्रत्यावर्तन का नाम है बोध क्रिया, और बुद्धि के प्रत्यावर्तन में बुद्धि आत्मा का बोध करती है, उसी का नाम आत्मबोध है। अर्थात बुद्धि के प्रत्यावर्तन क्रिया को ही आत्मबोध कहते हैं, और आत्मबोध होने पर ही आत्मा, बुद्धि में आत्मबोध होने पर आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा को व्यापकता या अंतर्यामी का अनुभव होता है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है, वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसीलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त, चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन भी व्यवसाय व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा में व्यवहार और उत्पादन कृत्रिम वातावरण द्वारा ही निर्मित पाया जाता है, जो दासता है। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास करता है, जिसमें जो होता है उसी का बंटन करता है। दासत्व तीन रूपों में परिलक्षित होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, आत्मा को क्रिया के रूप में मध्यस्थ दर्शन ने कहा है, और क्रिया में भी सम और विषम क्रिया है, किंतु आत्मा क्रिया है किंतु सम और विषम क्रिया से मुक्त। और सम और विषम से मुक्त है का अर्थात है कि वो बुद्धि से या इसी चित्त से या मन से या आवेश से प्रभावित नहीं हो पाता, बल्कि आत्मा से बुद्धि प्रभावित होती है, फिर ऐसे बुद्धि से चित्त प्रभावित होता है, ऐसे चित्त से वृत्ति प्रभावित होती है,
और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो व्यवस्था व्यवहार व्यवस्था व्यवस्था इनका नियंत्रण होता है। और यदि ऐसा ना हो तो फिर ये कृत्रिम विधि से नियंत्रित करने का प्रयास होता है, जिसमें दासता या दुख या जो एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है वो खत्म होता है। दासत्व तीन रूपों में परिलक्षित होता है, व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और तीसरा विचार दासत्व। दासत्व क्रम से न्याय समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता से संपन्नता से समाप्त होता है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान, समाधान ही न्याय, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसीलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा चैतन्य इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है, अतः वह मध्यस्थ क्रिया है। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील है, इसीलिए संभव विषम क्रिया। इकाई सहज नियंत्रण मध्यस्थता में ही है, जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में, सामाजिकता का नियंत्रण न्याय में, आशा विचार एवं इच्छा का नियंत्रण समाधान पूर्वक, अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही है। अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति एवं विराट है, प्रत्येक क्रिया विराट का एक अंश है और प्रत्येक परमाणु भी एक सूक्ष्म विराट है। प्रकृति के लिए जो एक शब्द है वो विराट है। लक्षण पूर्वक लक्षण लक्ष्य पूर्वक की नियम न्याय समाधान वो अनुभव पूर्वक दर्शन। तो लक्षण लक्ष्य पूर्वक और नियम न्याय समाधान वो अनुभव पूर्वक दर्शन। नियम में अपरिणाम अपरिवर्तन अपरिपाक। तो नियम में परिणाम नहीं होता है, मतलब परिणाम उसमें परिवर्तन नहीं होता, नियम अनिरंतर होते हैं, उसी के लिए अपरिपाक अपरिवर्तन और अपरिणाम ये तीन शब्द लिखे हुए हैं। अपरिवर्तन नियम हमेशा एक जैसा रहता है। न्याय में असंदिग्धता व अभयता, जहाँ पर संदिग्ध ना हो, शंका ना हो और अभय हो, इस प्रकार की चीज को न्याय। धर्म में निर्विषमता, विषम विषमता से मुक्त हो जाना, इसको धर्म कहते हैं। एवं सह अस्तित्व समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि है। अनुभव में आनंद और प्रामाणिकता सहज निरंतरता है, इसीलिए ही मानव प्रेषित है। नियम न्याय धर्म सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में सह अस्तित्व ही इंगित है। जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही सहज समाधि, सहज समाधि ही आनंद और आनंद ही जीवन जागृति, जागृति ही स्वतंत्रता। नियम न्याय धर्म सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। तो ब्रह्मानुभूति जो है वो मानव को होता है या जीवन को होता है। तो ब्रह्मानुभूति होने पर ही ये शब्द है नियम न्याय धर्म सत्य, और ये मानव के लिए है। तो न्याय मानव करता है, नियम का पालन मानव करता है, धर्म का पालन मानव करता है, सत्य का पालन भी मानव करता है और इनको सिखाता समझाता और इसके लिए व्यवस्था भी मानव ही बनाता है। तो और ये सब ब्रह्मानुभूति के बाद ही संभव होते हैं। तो ब्रह्मानुभूति या नियम न्याय धर्म धर्म और सत्य, ये ब्रह्मानुभूति अर्थात किसी मनुष्य को ब्रह्म की अनुभूति होती है उसके लिए या फिर उसके बाद के कार्यक्रम के लिए ये चारों शब्द हैं ब्रह्मानुभूति के लिए। स्वतंत्रता सहज कामना प्रत्येक मानव में विद्यमान है। जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, समाज में न्याय पूर्वक व्यवहार,
स्वयं में समाधान पूर्ण विचार एवं सत्ता में अनुभव पूर्ण क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई सहज परम जागृति है। यही स्वतंत्रता का आद्यंत लक्षण व स्वानुशासन का स्वरूप है। स्वतंत्र मानव इकाई जागृति सहज प्रमाण है तथा अन्य उसका अनुसरण करने में या पूर्ण जागृति के निकट है। जागृति पूर्ण मानव इकाई अन्य के अभ्युदय के लिए सहायक है। स्वतंत्र मानव इकाइयों के संख्या वृद्धि हेतु मानवीयता सहज व्यवहार उत्पादन तथा व्यवस्था का अध्ययन व आचरण की एक सूत्रता आवश्यक है। स्वतंत्र मानव की संख्या वृद्धि अर्थात जागृत लोगों की संख्या वृद्धि होने के लिए मानवीयता सहज व्यवहार मानवीयता सहज उत्पादन और मानवीयता सहज व्यवस्था का होना उसका अध्ययन और उसके आचरण की एक सूत्रता आवश्यक। मानव इकाई विकास पूर्वक ही अनुभव वेत्ता सिद्ध हुई। जड़ अवस्था से विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। ये चैतन्य इकाइयां ही जीवावस्था तथा ज्ञान अवस्था के प्रभेद से ये क्रम है। जड़ अवस्था से चैतन्य अवस्था आई। जड़ और चैतन्य के संयुक्त रूप में जीवावस्था है और ज्ञानावस्था भी है। जीवावस्था की जो अगली स्थिति है उससे विकसित स्थिति ज्ञानावस्था है और ज्ञानावस्था में ही फिर अग्रिम स्थिति में जागृति होती है। मानवाकार शरीर को ज्ञानात्मा अपनी आशा विचार इच्छा अनुसार संचालित करता है। जीवात्मा मानवेतर पशु पक्षी आदि जीव शरीरों को आशानुरूप संचालित करता है। ज्ञानात्मा ही जागृति पूर्वक मानव आत्मा देवात्मा तथा दिव्यात्मा में गण्य है। क्रम से इन्हीं को मानव देवमानव और दिव्यमानव समझे। तो जीवात्मा कह रहे हैं जो मनुष्यतर पशु पक्षी के शरीरों को चला रहा है और मानव के आकार के शरीर को चलाने वाले को ज्ञानात्मा कहते हैं। दिव्य मानव देव मानव और मानवीयतापूर्ण मानव ब्रह्मानुभूति संपन्न है और अमानव में भी ब्रह्म भासता है। इसीलिए जिनको चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है जिनकी निरंतरता नहीं हो पाती यही अमानव में जागृति सहज अपेक्षा। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि जो अमानव है उनको भी ब्रह्म भासता है तो भास से रहित कोई भी नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो चार विषयों में भोग अतिभोग करते हुए सुख भासता है तो ये सुख एक कोई चीज है जिसकी पहचान हो पा रही है अमानव को भी। दूसरा ये भी पहचान हो पा रही है कि इसकी निरंतरता नहीं। ये दोनों ही कारण होते हैं ये जागृति की ओर मनुष्य को लेके जाते हैं कि एक तो सुख जैसी कोई चीज मिली और दूसरा मिली भी फिर छूट गई उसकी निरंतरता नहीं है फिर उसकी निरंतरता के लिए प्रयास होता है। ये जो प्रक्रिया है इसी को कह रहे हैं कि ये अमानव में भी जागृति सहज अपेक्षा। आनंद सहज निरंतरता की आशा आकांक्षा और जिज्ञासा मनों में पाई जाती है। जागृति पूर्वक ब्रह्मानुभूति के लिए मानव प्रयास रत है। क्रिया तथा ब्रह्म में लक्षण भेद है। क्रिया अनंत संख्या में अनेक अवस्थाओं सहित स्थूल सूक्ष्म और कारण भेदों से प्रत्यक्ष है। ब्रह्म अखंड पूर्ण व्यापक है। तो क्रिया और ब्रह्म दो अलग अलग भाग हैं। प्रकृति का ही एक नाम क्रिया है क्रिया या क्रिया समझ और क्रिया में ही स्थूल क्रिया है सूक्ष्म क्रिया है कारण क्रिया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दो अलग अलग एक खंड है। एक खंड में व्यापक वस्तु है। खंड का मतलब है समझने के अर्थ में जड़ क्रिया का परिणाम परिवर्तन परिपाक प्रत्यक्ष है। चैतन्य क्रिया में आशा विचार इच्छा और संकल्प की सक्रियता और उसका परिमार्जन विकल्प भी प्रसिद्ध। सत्यानुभव योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई है जो पूर्णता एवं स्वतंत्रता हेतु मार्ग। तो चैतन्य इकाई में आशा विचार इच्छा और संकल्प सक्रिय होते हैं विशेषकर मानव में और उसमें परिवर्तन की संभावना भी होती है।
और इसमें ये भी कह रहे हैं कि सत्यानुभव योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से परिपूर्ण होने तक स्वीकृति रूपी परिपाक परिमार्जन और जागृति सहज विकल्प की श्रृंखला बनी हुई। पूरा एक क्रम अस्तित्व सहज है ही कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उसका एक परिपाक होगा जो संस्कार में जाएगा, जीवन में परिमार्जन होता रहेगा और फिर जागृति के लिए जो उसका प्रयास होता है बढ़ता ही जाएगा। सत्यानुभव आत्मा में अनुभव, आत्मा में अनुभव को सत्यानुभव कह रहे हैं। सत्य का बोध बुद्धि में, अनुभव बोध सहित प्रतीति चित्त में, अनुभव सहज चिंतन का आभास वृत्ति में एवं भास मन में। तो अनुभव का जो सत्य का अनुभव आत्मा में हो जाता है, सत्य का बोध बुद्धि में हो जाता है, सत्य का प्रतीति चित्त में होता है और सत्य का जो आभास है वृत्ति में और सत्य का भास जो है मन में। ब्रह्म में जो अमानव को भी ब्रह्म भासता है उसी अर्थ में। अध्ययन क्रम में अनुभव क्षमता की आंशिकता में बोध, बोध की आंशिकता में प्रतीति, प्रतीतता की आंशिकता में आभास एवं आभास की आंशिकता में क्षमता भास क्षमता प्रसिद्ध है जो साक्ष में प्रत्यक्ष होने वाली संज्ञानी क्रिया है, यही ज्ञानावस्था सहज महिमा। पांच संवेदन क्रियाओं द्वारा आस्वादन एवं स्वागत क्रिया की अभिव्यक्ति होती है। स्वागत भाव पक्ष को बोध, स्वागत भाव पक्ष का बोध पूर्वक अनुभव भी होता है। स्वागत एवं आस्वादन क्रिया मानव में प्रसिद्ध है। स्वागत भाव में अनुभव के लिए, आस्वादन भाव में भोगों के लिए अनुमान आनंद है। दो प्रकार की क्रियाओं को मुख्य रूप से कह रहे हैं कि जागृति के लिए जो भी क्रियाएं हो रही है उसको एक भाव में देख रहे हैं और भोगों के लिए जो एक प्रकार का जो क्रिया और क्रियाकलाप मनुष्य में हो रहा है, विचार हो रहा है, उसको दूसरा भाग कह रहे हैं। तो अनुभव के लिए जो कार्यक्रम है उसको स्वागत क्रिया के रूप में नामकरण हुआ। भोग पूर्वक आस्वादन केवल जड़ पक्ष में से के लिए, अनुभवाकांक्षी स्वागत भाव सत्य नहीं है। लोक सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के रूप में तथा व्यापक स्थिति पूर्ण सिद्ध है, यह प्रमाण सिद्ध है। दर्शन क्षमता की अपूर्णता की स्थिति में अनुमान अध्ययन और अनुभव के लिए प्रयास का उदय होता है। लक्षण और लक्ष्य के योगफल में अनुमान का उदय होता है। विज्ञान एवं विवेक ज्ञान ही प्रमाण है जो अनुभव समाधान व्यवहार व प्रयोग। वस्तु स्थिति सामिप सत्य है। काल क्रिया परिणाम से मुक्त नित्य सत्य ब्रह्म ही है। संवेदनाओं के आस्वादन की अपेक्षा में स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है। इसके विपरीत भोगों की प्रवृत्ति है, भोगों में प्रवृत्ति है जो अजागृति व ह्रास का लक्षण। यहाँ पर स्वागत भाव का अधिक हो जाना ही जागृति की ओर गति है और भोगों में प्रवृत्ति जो है वो ह्रास की ओर गति है। एक तो एक समय ऐसा लगता है कि हो गया है, तो इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ही है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, अस्तित्व एवं आनंद ही उसका अध्ययन का लक्षण। ज्ञानावस्था में मानवीतापूर्ण मानव ही उत्पादनशील व्यवहारशील विचारशील एवं अनुभवशील इकाई। मानव में कार्य व्यवहार काल, विचार काल एवं अनुभव काल प्रसिद्ध है। उत्पादन व्यवहार एवं विचार की उपादेयता अनुभव की आशा एवं आकांक्षा नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है। मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य और व्यापकता में अनुभव करता है, करना चाहता है या करने के लिए बाध्य। तो मुख्य चीज इसमें हम देख रहे हैं कि मानवीयतापूर्ण जो मानव
उसमें उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभव, इन चारों चीजों की एक सूत्रता को यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। और इन चारों से ही, इन चारों में अभ्यास से, इन चारों में इच्छा से ही अनुभव होगा, और अनुभव के बाद भी ये चारों क्रियाकलाप निरंतर होते रहेंगे। इनसे मुक्ति कोई कार्यक्रम नहीं है, इन क्रियाकलाप से। दूसरा, मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन, अर्थात पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ उत्पादन, समान के साथ व्यवहार, अर्थात मानव मानव के साथ व्यवहार, और अधिक श्रेष्ठ का सानिध्य, अर्थात विकसित जो मानव है, जागृत मानव को सानिध्य के लिए, और इससे और जो भिन्न कोई चीज है जिसको व्यापक वस्तु कह रहे हैं उसमें अनुभव करता है, तो ये संपूर्ण मानव का कार्यक्रम होता है। अपने से अविकसित के साथ भी कार्यक्रम है, अपने बराबर के साथ भी कार्यक्रम है, अपने से श्रेष्ठ मानव के लिए साथ भी कार्यक्रम है, और व्यापक के साथ भी अनुभव एक यथास्थिति है जिसकी निरंतरता होती है। तो ये हम लोगों ने देखा। कुछ प्रश्न आए हैं तो उसके लिए एक और बात इसको एक बार पढ़ लेंगे, तो फिर से एक समय तय करके आप लोग का फिर से सानिध्य के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी का जो कार्यक्रम है इसको समय सीमा